सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, यहां से हम चलना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है माइनस vdh, फिर वो आगे आए तो आपके भाई प्लस 4 into y1, इसमें इस तो कोई करंट फ्लो है नहीं, वो नहीं रहा है, इस तो करंट फ्लो रहा है तो i1 into 4, उसके बाद हम यहां से चलना शुरू किया, यहां आए, यहां आने पर कौन सा करंट मिला, फिर प्लस मिला प्लस 8, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसमें 8 प्लस i2 करंट फ्लो हो रहा है तो 8 i2 is equal to 0, i1 की वैल्यू आपको अभी निकालनी है, i2 आपको पता है, अब vdh निकाल सकते हो, vdh क्या हो जाएगा, vdh की वैल्यू हो जाएगी 4 i1 प्लस 8 i2, put the value of i1 and i2 in equation number 1 and find the value of vdh, and give me the answer of vdh, find the value of vdh. अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, तो वीटीएच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 18.84, तो ये आ गया हमारा वीटीएच. देखिए आंसर मैच कर लीजिए किसका भी नहीं आया है. इस सर्किट को अब मैं फिर से रीड्रॉ कर रही हूँ नॉर्मल के लिए, ठीक है, तो नॉर्मल के लिए रीड्रॉ करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देना है, जिस तरह से हम थेवेनिन्स के लिए ओपन करते हैं करंट के लिए हम क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपको आई एस सी, ठीक है ना, और जब भी आप ऐसा मतलब आपको दो होंगे कि इसमें शॉर्ट सर्किट मिल जाए तो उसको आप उसमें लूप से सॉल्व करें, कभी भी मोड ना लगे ना मतलब, तो ये हमने मान लिया इसको i1, अब हम निकाल रहे हैं नॉर्टन से, ठीक है ना, फाइंड आउट कर रहे हैं हम isc, ये isc फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्टन निकालना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे i1 ले लिया, यहाँ पे मैंने i2 ले लिया और यहाँ मैंने i3 ले लिया, ठीक है ना, तीन हमें लूप मिलेंगे i1 i2 i3 और मुझे पता है मुझे किसकी वैल्यू के बाद IC तो ये I2 की वैल्यू और IC तो सेम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं जब I2 है वही अब हो गया है IC है, तो अगर मैं I2 की वैल्यू निकाल लेती हूं तो मुझे IC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, दूसरा जहां पे इस लूप से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो I3 है वो I2 के बराबर है, मतलब जो I3 है इसके बराबर हो गया 2 एम्पीयर के बराबर हो गया, ठीक है ना, ये दो चीजें समझ में आई, I2 आपका IC के बराबर है और I3 आपका 2 एम्पीयर है, उसके बाद हम सिंपल लूप इक्वेशन लिखेंगे कि या इसके लिए की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चल गया है 2 एम्पीयर, या कि ऑलरेडी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट, अब लूप बंद की इक्वेशन लिखो, लूप बंद की इक्वेशन क्या आएगी, माइनस 10 आई1 सॉरी माइनस 10 प्लस 10 आई1 प्लस 4 आई1 माइनस आई2, ठीक है ना, मैं इसको हटा दूं, तो मैंने बताया तो जो लूप बंद की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, माइनस 10 प्लस 10 i1 प्लस 4 i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0, सो सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 4 14 i1 माइनस 4 i2 इज इक्वल टू 10, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, सेम आप लूप टू की इक्वेशन लगाए तो लूप टू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 I2 minus I1 plus 8 I2 minus I3 is equal to 0, और इसको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे सॉल्व करके लिख रही हूँ इसे, तो minus 4 I1 plus 8 plus 4 12 I2 minus 8 I3 is equal to 0, I3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, I3 की वैल्यू है आपके पास में 2 एम्पीयर, तो ये क्या कितना हो जाएगा, माइनस 4 I1 प्लस 12 I2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, अब 16 को ऊपर लेकर गए तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 16, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन, हमें I2 की वैल्यू निकालना है, I2 हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करें सेकंड और थर्ड
सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का एल्गोरिथम सॉल्व कर लीजिए और आप आई की वैल्यू फॉर लाइन कितनी आ गई सेम आपके सारे क्वेश्चन दिखेंगे आप नॉर्टन से कर रहे हो या कन्वेंस से कर रहे हो दोनों से सॉल्व